विषम परिस्थितियों में अपना संयम बनाए रखना सकारात्मकता कहलाती है। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो विश्वास होता है हम सब समस्या को पार कर लेंगे। जबकि नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति हमेशा अपने धैर्य को खो देता है। अगर सकारात्मक होना है तो संगत उनके साथ रखनी चाहिए जिनके विचार व आदर्श प्रेरणा देने वाले हों। आइए मिलते हैं एक शख्स से जो अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर बना सेफ शॉप में डायमंड लीडर, मिस्टर सुनील श्रीमंत यादव। बेदुज नागजरी कोरेगांव सतारा महाराष्ट्र, यही पता है सकारात्मकता का। मिस्टर श्रीमंत यादव खेती करते और अपनी पत्नी श्रीमती कुमारिका यादव के साथ अपने दोनों बच्चों का लालन पालन करते। एक साथ 1990 को इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, नाम रखा जाता है सुनील। अपनी बड़ी बहन और लाडली बहन का प्यारा भाई। जिला परिषद नागजरी से शिक्षा की शुरुआत हुई, 6 से 10वीं की न्यू इंग्लिश स्कूल से। घर के हालात काफी कमजोर थे, पिता की आय कम थी तो पढ़ाई के साथ खेतों में काम करते। बारहवीं राधा कृष्ण कॉलेज से करने के बाद दोस्तों को दौड़ता देख खुद भी दौड़ना शुरू कर दिया। इसी दौड़ में उन्हें अपना सपना चुनना आसान हो गया। 13 बार असफलता के बाद 14वीं बार में आर्मी की भर्ती का द्वार खुला। 21 जून 2010 में बीएसएफ में भर्ती हो गए। अब आय का एक ठोस साधन था, पर सुनील आगे बढ़ना चाहते थे तो डिपार्टमेंट से क्लास 1 की तैयारी करने लगे। उसके लिए पहले बीए किया और अपनी पढ़ाई को पूर्ण किया। मई 2014 सुनील की शादी अमृता से हो गई। माता पिता का आशीर्वाद मिला और गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई, पर नौकरी में आगे बढ़ने का सपना अधूरा रह गया। परिवार आगे बढ़ रहा था, बेटे शिवांग और बेटी काव्या का जन्म हो चुका था। अब सुनील अपने परिवार और नौकरी का आनंद ले रहे थे। एक दिन सड़क पर चलते चलते एक अजनबी से मुलाकात हुई, नितिन यादव। बातें हुई और शाम को घर पर एक प्लान देखने का मौका मिला। 6-7 लोगों को प्लान दिखाया, बाकी लोग उठकर चले गए, पर सुनील अपनी सकारात्मक व्यवहार की वजह से सुनते रहे और सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया और पार्ट टाइम सेफ शॉप को करते रहे। लोग पागल और बेवकूफ कह मजाक बनाते रहे, पर सुनील अपनी टीम को बनाने में लगे रहे। तेरा सूरज भी बेनूर है, तेरा सा
सेफ शॉप की ट्रेनिंग लेते और अपने आप को डायमंड बनाने का निश्चय करने लगे। लेके हाथों में जलती मजाल आग भरता जरे, कदमों की धूल से बवंडर बना के आगे बढ़ता जरे। दो सौ पचास लोगों को ज्वाइन कर चुके थे, एक डायमंड फंक्शन देखने का मौका मिला और पूर्ण रूप से सेफ शॉप में आ गए। 1,11,000 सरकार को जमा कर वीआरएस ले लिया। मात्र 7.5 साल में नौकरी को छोड़ पूर्ण रूप से सेफ शॉप करने लगे। सुनील ने अपनी कमियों को दूर किया। आज सुनील अपने डायमंडशिप का जश्न मना रहे हैं। सुनील कहते हैं, लोगों का मना करना उनका काम है, आपका लोगों को प्लान दिखाना वो काम है, तो करते रहिए और अपने सपनों को पूरा करना जारी रखिए। सकल विश्व के हम है विजेता, जिसकी गवाही जग